ठंडी होने पे काटी है, गरम गरम काट रही थी तो बिखर रही थी, ठंडी होने पे काटने में ही आराम से ये कट रही है। आप इसको चाट मसाला डाल के खाइए, नींबू डाल के खाइए, अच्छी लगेगी। आपको ये तरीका पसंद आए तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तरीका पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि तरीका कैसा है, क्योंकि पानी में हम उबालते हैं तो इसका मीठापन जो होता है वो पानी में चला जाता है, और भाप में इस तरह से स्टीम देने में इसका मीठापन भी ख़त्म नहीं हुआ। आप इसमें नींबू डाल के भी खाएं और चाट मसाला डाल के भी खाएं, पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू। शकरकंदी को कुकर में उबालने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर लिया, उसके अंदर मैंने ये जाली रखी है। जाली रखने के बाद मैं ये एक बर्तन रखूँगी जिसमें मैं अंडे बॉईल करती हूँ घर में, तो उसकी शक्ल ज़रा ऐसी हो गई है। ये रखने के बाद ये मैं इसमें रखूँगी और कुकर के अंदर मैं एक आधा गिलास या डेढ़ गिलास पानी डालूँगी। मैंने डेढ़ गिलास पानी कुकर में डाल दिया है और अब हम इसको जाली पे रख देंगे, ठीक है, और हम कुकर बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये मैंने कुकर बंद कर दिया है और इसके साथ मैं वेट रख के अब मैं इसको चूल्हे पे रखने जा रही हूँ। ये सीटी बज रही है, बजना स्टार्ट हुई है और मैं चूल्हा धीमा कर दूँगी, बिल्कुल धीमी, जैसे दम वाली आँच होती है वो मैंने कर दिया है। अब इसके बाद मैं थोड़ी देर और रख के बताती हूँ कि मैंने कितने टाइम रखा। 6 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसके बेस को हटा रही हूँ। जब इसकी स्टीम निकल जाएगी तो फिर मैं इसको खोल दूँगी। बात आपको बता दूँ कि कुकर का वेट हटाने के बाद ढक्कन खोलने का एक आसान तरीका जो आमतौर पे बच्चों को नहीं पता होता, अभी ये जो कील होती है इसको हम दबा के देखते हैं, अगर इस प्रेशर से दब रही है यानी प्रेशर लग रहा है तो इसका मतलब है कि अंदर गैस है, और अगर ये इजीली दब गई, गिर गई, अंदर हो गई तो इसका मतलब है गैस ख़त्म हो चुकी है और अब इसको हम इसको आसानी से खोल सकते हैं, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें अब ये देखें, इसको मैं छुरी डाल के देख रही हूँ कि कितना गली है, बहुत आराम से, बहुत आराम से जा रहा है, इसका मतलब है हमारी शकरकंदी तैयार है। ये भाप के पानी के साथ ये थोड़ा सा जूसी हो गई थी, पीली हो गई थी, तो मैं इसको अब ड्राई बर्तन में ही रख के और खुले बर्तन के साथ रख के मैं इसको चढ़ा के थोड़ा सा इसका भाप निकाल रहे हैं इसमें, ताकि ये इसका जो जूसी जूसी सी है ना, ये गलने के बाद खुद ही खुल गई है। देखें तो ये जूसी हो रही है ना, थोड़ा सा ये खुश्क हो जाएगी तो ये खाने में मज़ा देगी। इसमें खाली कोई पानी नहीं है, खाली बर्तन में इसको मैं थोड़ी देर के लिए चढ़ा दिया है, तो 2-3 मिनट आप इसको रखें, अब ये तैयार हो जाएगी। बल्कि तैयार ही है, लेकिन अगर आप ऐसे भी खा सकते हैं, मगर थोड़ा सा वो ड्राई होती है तो ज़रा अच्छी लगती है।